أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I am Dr. Humaira Arshad Associate Professor of Forensic Medicine and Toxicology from Independent Medical College Faisalabad Today the topic which we are going to be discuss is the law of marriage You will be in worried why I am going to tell you the laws of marriage as we all know it is the basic most important dealing of the persons laws of marriage in every society prescribes requirement of a good marriage which are generally reflected in the customs so there are international differences due to the culture and religion Yet the basic concept in the union of the marriage is the same. And laws of marriages has the developed through ages, starting with common law union to the present practice of registration of marriage. The essential criteria for a good marriage is it should be heterosexual. Consent may be taken, maturity of the partners, and registration and pronouncement of marriage means जब शादियाँ होती हैं तो उसका एक डेट फिक्स होना और उसके बाद वो कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होना और ये सब कुछ और उसके बाद फिर वो निकाह होना रजिस्ट्रेशन होनी है कुछ सोसाइटीज़ में जो हमारे कंट्रीज़ में जो ये सारा जो उल्मा हैं मौलवी हजरात हैं या मस्जिदों में वो रजिस्ट्रेशंस अकॉर्डिंग टू द एरियाज़ ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं वो भी होती हैं लेकिन कुछ जगहों पे ये कोर्ट्स में ये रजिस्ट्रेशंस होना एंड अनाउंसमेंट्स कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना और बताना ये एक प्रोनाउंसमेंट्स है फॉर द मैरिज ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ ये दो जो हेट्रोसेक्सुअल जो पार्टनर्स आपस में ये फिर रहे हैं घूम रहे हैं तो दे आर वैलिडली दे आर हैव ए टू लिव टुगेदर एंड फिफ्थ पॉइंट इज द विद इन द परमिशेबल रिलेशनशिप्स ये रिलेशनशिप्स अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी दिए हुए हैं कि किस से आपकी जो शादी है वो हो सकती है किस से नहीं हो सकती तो ये हमारे मज़हब में भी बहुत पहले से ये चीज़ बता दी गई है नाउ इन आवर कंट्री देयर आर एग्जिस्टिंग स्टेट्यूट लॉज ऑफ द मैरिजेस एज यू नो व्हाट आर द स्टेट्यूट लॉज स्टेट्यूट लॉज टू टाइप्स ऑफ द लॉज दैट इज द कॉमन लॉज एंड द स्टेट्यूट लॉज फ्रॉम द वेरी अर्ली एजेस द मैरिज इज गोइंग एज ए कॉमन लॉ एंड नाउ इट इज़ द there are the existing statute law of the marriages according to it there is child marriage restraint act 1929 dissolution of muslim marriage act 1939 and muslim family laws ordinance 1967 although the statute laws are existing in our country in our society but most of us are I think never knew it that they are existing and we have to obey these laws. First, the Child Marriage Restraint Act 1929. It prohibits marriages of children before attainment of maturity, and lays punishments for parents or guardians who arrange or promote child marriage. Because once such a marriage occurs. It remains valid. As you know, the maturity के बालिग होना जिसे हम कहते हैं कि बालिग होने के लिए हमारे मजहबन हमारे कानून में जो लड़का है उसकी एज है 18 ईयर्स और जो गर्ल है उसकी एज है 16 ईयर्स आफ्टर दैट दे बिकम मेच्योर एंड वंस सच ए मैरिज अकर्स इट रिमेंस वैलिड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बचपन में हम जो कर देते हैं यहाँ पे अभी भी जो हमारे गांव हैं विलेजेस हैं या जहाँ पे आपस में जो फैमिलीज़ हैं जो ये
कर देती हैं या ड्यू टू एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो कोई अपनी कम उम्र बच्ची की शादी या वो उसको मांग ले और उसका जी निकाह कर देते हैं बड़े आदमी के साथ, या नहीं भी बड़ा आदमी होता वो, लेकिन वो भी बच्चा ही होता है जिसके साथ वो शादियां कर देते हैं। उनका एक मकसद ये भी होता है कि उनकी जो ज़मीन है, जो भी उनके लाइव स्टॉक्स हैं, वो किसी आउटसाइड ना जाएं, उन्हीं की फैमिलीज़ में ही रह जाएं। तो वो इसलिए उनकी बचपन में ही शादियां कर देते हैं फोर्सफुली। और लेकिन अब आप ये हैरान होंगे शायद सुन के कि अब बहुत सारी जो बच्चियां हैं जब वो बड़ी होती हैं और उनको पता चलता है कि वो जो वो उसके साथ उसकी शादी बचपन में ही कर दी थी, तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए घरों से भाग के आ जाते हैं। और यहाँ पे दारुल अमान में पर्सनली मैं खुद बहुत सारी ऐसी लड़कियों से मिली हूँ जो यहाँ पे आके गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनको लॉयर वो कर सकती हैं लीगली, वो इस चीज़ के लिए अपना आके घरों से निकल आती हैं और वो इस चीज़ के लिए अपना डाइवोर्स लेती हैं कि हमारी बचपन में शादी हो गई थी तो हम उससे उधर नहीं रहना चाहते, क्यों, या तो वो लड़का नहीं कुछ कर रहा होता या वो बूढ़ा है या इस तरह की बातें होती हैं। और वो लड़कियां, कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो दारुल अमान में आके वो पना लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पीछे कोई उनको ये सब कुछ बताने वाला होता है कि, और वो फिर लीगली जो लॉयर्स हैं वो उनके केसेस प्रोसीड करते हैं और वो फिर अपनी उस शादी को ख़त्म करवाती हैं, डाइवोर्स लेती हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से फिर शादी कर सके। ये यूजुअली ये हो रहा है हमारे माशरे में। सेकेंड इज़ दी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस it directs the registration of the existing marriage and permits conditional second marriage on the grounds of sterility, physical infirmity of existing wife and insanity of existing wife. ab isme bhi aap dekhen ke directing the registration of the existing marriage, jo registration hona aur nikah nama milna hamare yahan pe to जो निकाह नामा वो जो रजिस्ट निकाह खुआ होते हैं उनके पास इसमें मौजूद होता है, और वो फॉर्म केयरफुली फिल करना और ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैरिज एंड परमिट्स कंडीशनल सेकंड मैरिज। अब सेकंड मैरिज के लिए क्या कंडीशंस हैं कि अगर उसकी जो फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, अगर वो अनएबल है टू प्रोक्योर अ चाइल्ड, इनफर्टाइल है ड्यू टू एनी रीज़न और जिसके वो डॉक्टर ये चीज़ कंफर्म कह दें कि हाँ, लाइक अगर तो फीमेल है उसकी ट्यूबल ब्लॉकेज है या उसका कोई भी इंटरनली ऐसे कोई गायनी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शी कांट प्रोक्योर अ चाइल्ड, और अगर मेल पार्टनर है ऑल्दो वो इम्पोर्टेंट नहीं है बट ही इज़ स्टराइल, एजोस्पर्मिक है तो उसके स्पर्म काउंट है ही नहीं, एंड शी और ही कैन नॉट प्रोक्योर अ बेबी, एंड फिजिकली इनफर्मिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाइफ एंड इंसेनिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वाइफ। अब ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, एनी ट्रॉमा और एनी मिसहैप, हमेशा अब आए ना हम आज बिजी, फिजिकल इन्फर्मिटी, सो इन दैट कंडीशन ही कैन डू द सेकेंड मैरिज, और इंसेनिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग, मेंटली रिटार्डेड और ड्यू टू द एनी साइकोलॉजिकल इलनेस इफ His wife is unable to live the life, family life, and so he can do the conditionally second marriage. Third is the dissolution of Muslim marriage, that it is according to the act passed in 1939. Dissolution of Muslim marriage means ke wo kaun kaun si
कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मैरिज जो है वो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इट स्पेल्स आउट ग्राउंड्स फॉर डिक्रीज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अमंग मुस्लिम्स। इन दिस हजबेंड्स वेयर आज अबाउट नोन अननोन फॉर 4 ईयर्स, कि 4 साल हो गए हैं और उसके हस्बैंड का पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, कुछ भी कोई कांटेक्ट नहीं, कोई इलम नहीं। देन ए फीमेल कैन डिक्रीज डिसोल्यूट दी मैरिज। हस्बैंड्स फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर 2 ईयर्स, हस्बैंड इम्प्रिजेंट फॉर 7 ईयर्स ड्यू टू एनी ऑफेंस और एनी क्राइम, ही इज़ इन इम्प्रिजेंट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। हस्बैंड फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर 3 ईयर्स, हस्बैंड इज सफरिंग एनी इलनेस और एनी डिजीज एंड ही इज़ इम्पोर्टेंट एंड ही कैन नॉट प्रोवाइड हर वाइफ द मैरिटल ऑब्लिगेशंस। हस्बैंड इम्पोर्टेंट सिंस मैरिज, इफ हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट सिंस मैरिज नॉट आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज ही मे हैव सम प्रॉब्लम, ही मे have some any illnesses or some accidents by which he became impotent, then she can dissolute the marriage. Husband suffering from insanity, leprosy or virulent venereal diseases for 2 years. So in these cases, if husband is having some mental problems at least 2 years and he has some venereal diseases and he cannot perform the marital satisfaction for his wife, so a female can dissolute the marriage. Repudiation of marriage by wife after attainment of maturity, that is 18 years. This I have already told you, the Child Marriage Restraint Acts, ke us in this the female can dissolute when he attains the maturity. Husband's cruelty towards the wife by way of, if husband is cruel or wo marta hai ya zulm karta hai by any means, by physical or psychological violence, jo ke har aurat ko hi ye sunni padti hain baatein, associating with women of ill repo, और उसको पता चल गया कि उसकी जो उसका जो हस्बैंड है उसका वो कोई और ऐसी जिन जो नोन टू बी गलत औरतें जिन्हें कहें कि उनके साथ उसके ताल्लुकात हैं जिनकी रेपो नहीं सही, फोर्सिंग हर टू लेड इमोरल लाइफ, या उसको फोर्स करे कि किसी तरीके से वो अपने जो किसी सेक्स के लिए या उसके लिए उसको फोर्स करे, या ऑब्स्ट्रक्टिंग हर फ्रॉम रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसको मजहबी जो भी उसके इबादात हैं उनसे उसको रोके, या डिस्पोजिंग हर प्रॉपर्टी एंड फोर्सफुली और उसको थ्रेट्स दे और उसके उसकी कोई जायदाद अगर कोई है जिसको वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको थ्रेट करे, एंड नॉट ट्रीटिंग हर इक्वली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर वाइफ और वाइफ्स, और अगर उसके साथ वो रवैया नहीं रख रहा मुनासिब रवैया इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड वाइफ। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हैं, चलती भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को अंदाज़ा भी नहीं, और वैसे भी बीइंग ए मुस्लिम्स और बीइंग ए फीमेल एज ए पैसिव पार्टनर वो इन चीज़ों को वैसे ही टॉलरेट ही करते रहते हैं अनटिल अनलेस के वो उसकी एक लिमिट ना क्रॉस हो जाए, अदरवाइज दे सर्वाइव्स एज इट इज़ with their husbands. These are the laws of the marriage, जिसका के question आ जाता है कभी कभी, तो ये वैसे भी society में socially भी you have to know these and as a curriculum you have knows that what are the statute laws of the marriages. Thank you very much.